नमस्कार, सीएमएन न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ कनिका। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और नेताओं को जो वादे और घोषणाएं करनी है वो की जा रही है। जो भी राजनीतिक बाजियां चलनी है वो भी चलाई जा रही है और अब सभी को 12 मई का इंतजार है, क्योंकि उस दिन 7 चरणों के चक्रव्यूह का 6ठा दरवाजा मतदान के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बसपा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने अपना संयुक्त प्रत्याशी पंकज चौधरी को करनाल लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अब पंकज चौधरी ने भी चुनाव में जीत को लेकर ताल ठोक दी है और अपना चुनावी कार्यालय खोल उसका उद्घाटन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी से करवाया। लोकसभा चुनाव 2019, करनाल पानीपत सीट से पंकज चौधरी मैदान में। लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं चौधरी। जीत की तैयारी में लगे पंकज चौधरी। चुनाव कार्यालय खोल करवाया उद्घाटन। चुनाव कार्यालय से निकलेगा जीत का तीर। पूरे देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। लगातार प्रत्याशी जीत को लेकर एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और पूरी जी जान से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा की, तो यहां पर भी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। जहां बीजेपी ने प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं बसपा लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी ने भी अपने संयुक्त प्रत्याशियों को मैदान में उतार सियासी दांव चला है। करनाल पानीपत सीट से पार्टी ने पंकज चौधरी को संयुक्त तौर पर मैदान में उतारा और चुनाव में जीत की हुंकार भरी। जैसे ही करनाल पानीपत सीट से पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगी, उसके बाद से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और अब पंकज चौधरी ने करनाल के रोड भवन में अपना चुनाव कार्यालय खोला, जिसका उद्घाटन लोकतंत्र सुरक्षा मंच के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने किया। साथ ही मंच से संबोधित करते हुए सैनी ने पार्टी उम्मीदवार को जीत का मंत्र दिया। वहीं इस मौके पर हमने प्रत्याशी पंकज चौधरी से खास बातचीत की, उन्होंने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सभी करनाल लोकसभा के वासियों को नमस्कार, प्रणाम। साथियों, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि जिस दिन से मुझे बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने सांझा उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है, एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से जो करनाल लोकसभा के वासियों की आवाज़ थी कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, हमारे परिवार का हो, गांव का हो, शहर का हो, जो किसान की, कमेरे की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की समस्याओं को समझकर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर उसकी वकालत करें। और हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा साथियों कि हमें हर बार पिछले 70 साल में बाहर के कैंडिडेट आए और उन लोगों पर हमने ब्लाइंड विश्वास कर अंधा विश्वास कर उनको जिताने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बोलूंगा कि किसी भी कैंडिडेट ने करनाल लोकसभा की दोबारा आकर सूझ नहीं ली। किसी भी कैंडिडेट ने जीतने के बाद करनाल लोकसभा के किसी भी गांव में जाकर किसान की, कमेरे की समस्याओं को समझना शायद मुनासिब नहीं समझा। खैर छोड़िए, मुद्दे बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन से मैं आप लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी ने भेजा है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने भेजा है, उस दिन से ही हमारी गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और आज करनाल के अंदर करनाल लोकसभा का जो मेन कार्यालय, मुख्य कार्यालय हमारा होगा, उसकी ओपनिंग, उसका उद्घाटन आज हमने कर दिया। करनाल रोड भवन के अंदर हमारा मुख्य करनाल लोकसभा का कार्य होगा, जहां से सारी रणनीतियां, गतिविधियां चलेंगी। वैसे हमारे 9 के 9 हल्के में कार्यालय लगभग खुल चुके हैं और यहीं से करनाल लोकसभा से ही हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट पूरे करनाल लोकसभा को मैनेजमेंट करेंगी, हैंडल करेंगी। और मैं बताना चाहूँगा कि इस शुभ अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के 3 स्टेटों के प्रभारी डॉक्टर मेघराज जी साथ में थे और उसी के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के श्री प्रकाश भारती जी और उसके साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो बहुत ही आदरणीय सांसद राजकुमार सैनी जी, हम सब ने और हमारी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बहुत सारे बड़े वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, एक एक संघर्षशील साथी आज था। लगभग आप ये मान के चलिए कि 10,000 की संख्या में आज करनाल लोकसभा के ऑफिस के लिए करनाल भवन, रोड भवन के अंदर हम इकट्ठे हुए और हमने एक हवन कराकर, यज्ञ कराकर सुबह
गुरु जी का, उसके बाद हमने अपने ऑफिस की गतिविधियां को बढ़ा दिया, ऑफिस हमने ओपन कर दिया। बहरहाल लोकसभा चुनावों को लेकर बिसात बीत चुके हैं और उम्मीदवार जीत की तैयारी में लगे हैं। फिलहाल खास पेशकश पे इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News।